दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर बताएंगे। मामला एमपी बोर्ड के कक्षा पाँचवीं और कक्षा आठवीं में जो बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं, पूरक आए हैं, या फिर परीक्षा में फेल हो गए हैं, या फिर परीक्षा नहीं दिए हैं, या फिर प्रोजेक्ट वगैरह में फेल हो गए हैं, या उनके नंबर फीडिंग में कहीं पर भी गड़बड़ी है, उन सभी की फिर से परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा का टाइम टेबल और साथ ही परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण तारीख और जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी से निवेदन रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारियां नहीं मिल पाती हैं जिसके कारण बच्चे का साल बर्बाद हो जाता है। चलिए कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखा, कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है, कक्षा पाँचवीं और आठवीं वाले बच्चे इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। जो फेल हैं, पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं या फिर परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको दोबारा मौका मिल रहा है परीक्षा देने को लेकर। एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वह इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे। कक्षा पाँचवीं आठवीं के फेल और अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा 22 से शुरू होगी, उसके पहले की प्रक्रिया पूरा कर लें, फॉर्म वगैरह भर लें। तो यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट बताएंगे। कक्षा पाँचवीं आठवीं के संशोधित रिजल्ट के बाद फेल और अनुपस्थित रहे और पूरक रहे छात्रों की विशेष परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से दोनों कक्षाओं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी हो गया है। पाँचवीं की पुनः परीक्षा 22 जून से 27 जून तक संपन्न होगी। ये तारीख ध्यान कर लें, 22 जून से 27 जून पाँचवीं की होगी। वहीं आठवीं की जो परीक्षा होगी वह 22 जून से 28 जून तक सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं यहां पर आपको बता दें, परीक्षा में सतना जिले की अगर हम बात करेंगे तो 26,352 छात्र शामिल होंगे। कक्षा पाँचवीं के 11,206 और आठवीं के 15,146 अनुत्तीर्ण छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं संकुल केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और राज्य शिक्षा केंद्र ने दोनों कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की पुनः परीक्षा से पहले विशेष क्लास लगाकर तैयारी करने के निर्देश डीपीसी को जारी कर दिए हैं। इन छात्रों की 10 से 22 जून तक विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। 10 जून से 22 जून तक विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा ऐसे छात्र जो प्रोजेक्ट कार्य में फेल थे उनको भी मौका दिया गया है। 10 जून तक प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय में जमा करने के निर्देश भी उनको दे दिए गए हैं। अगर जमा नहीं है तो जल्दी से जमा कर दें प्रोजेक्ट कार्य। वहीं प्रोजेक्ट कार्य के बारे में अगर डिटेल देखें तो इस प्रक्रिया में ऐसे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में पास हैं किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक होने के कारण फेल हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य दोबारा जमा करवाया जाएगा और उसका पुनः मूल्यांकन कर प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर 10 जून तक अवश्य रूप से की जाएगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनके विषय त्रुटिवश गलत अंक फीड कर दिए गए हैं या अंक सूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के मामले में विषय में सुधार स्कूल प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसी कार्यालय में 7 से 8 जून तक जमा करना होगा। ये तारीख पर मत जाइए, विद्यालय से संपर्क करिए। अगर इसमें से कोई भी ऐसा काम है जो नहीं, आपके अनुसूची पर गड़बड़ है या फिर आप टाइम टेबल वगैरह जो भी आपको चाहिए विद्यालय में संपर्क कर लें। परीक्षा की तारीख आपको ऊपर बता ही दिए हैं, जो पूरी उम्मीद है जानकारी आपकी ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी बच्चों को जानकारी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।